तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर दिल अजीज है, इसे चाहने वालों की एक लंबी फैन लिस्ट है। यही कारण है कि ये जो शो है जल्दी ही अपने 15 साल पूरे करने वाला है। इतने सालों में इस सिटकॉम ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई कलाकार शो छोड़कर चले गए हैं तो कुछ का निधन हो गया है। हालांकि दर्शक आज भी अपना पहला एपिसोड वाला स्टार कास्ट देखना चाहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है दयाबेन को वापस लाने की। सोशल मीडिया पर इन दिनों दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोद में एक बच्चे लिए बैठी हैं और उनकी दर्दनाक कहानी सुना रही हैं। बच्चा लगातार रोता जा रहा है और दिशा को भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे इस वीडियो को दयाबेन का हाल देख लोग इमोशनल हो रहे हैं। दयाबेन के आंसू लोगों को भी रोने पे मजबूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे यूजर्स पूछ रहे हैं, ये बच्चा आखिर है कौन और दयाबेन का ये हाल किसने किया है? तो आपको बता दें कि ये सीन साल 2008 में आई फिल्म के कंपनी का है, जिसमें तुषार कपूर और अनुपम खेर लीड रोल में थे। इस फिल्म में तुषार एक पत्रकार होते हैं और वो दुनिया के सामने दिशा वकानी की आपबीती सुना रहे होते हैं। याद दिला दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू होने से पहले दिशा सहित अन्य कलाकारों ने फिल्मों, सीरियल, एड और म्यूजिक वीडियोज में रोल किए थे, हालांकि किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया कभी।